मैं आज जो आपको पढ़ा रही हूँ, तराइन के जो दूसरा युद्ध हुआ, जो आपने देखा, मैंने आपको वीडियो भेजा है। ये जो आपके पे फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर की क्लास है, और मैंने आपको बता दिया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में जो है, जो 1192 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई है। हार के कारण भी बताए। अब क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान पराजय के बाद चौहानों की शक्ति जो भंग हो गई थी, समस्त चौहान राज्य पर, मतलब मोहम्मद समस्त चौहान राज्य पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। और हांसी, कोहराम और सुरसती जो सैनिक महत्व के स्थान थे, वहाँ मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। लेकिन उसने पृथ्वीराज के पूरे साम्राज्य का भार सीधा अपने ऊपर नहीं लिया, और पृथ्वीराज के पुत्र जो गोविंद राज को अधीनस्थ सामंत बनाया और उसे अजमेर का शासक नियुक्त हुआ किया। अब जो है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज का वीर सेनापति जो खांडे राव था, जो पहले तराइन के युद्ध में, है ना, तराइन का फर्स्ट युद्ध जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को हराया था, वह जो है इस युद्ध में, यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से युद्ध करते हुए मारा गया था। तो उसके ही पुत्र जो एक तोमर राजकुमार था, जिसको गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद गौरी ने बिठाया, और दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में एक सेना रख दी। हम आगे आपको बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और क्या था, उसका भी एक चैप्टर है, आपको बताएंगे। अब जो है, सेना एक रखी, उसका कार्य ये था कि मोहम्मद गौरी के जो विदेश, जो भी विजय हुए प्रदेश है, उसको संगठित करना, उसका विस्तार करना, ये उसका काम था, और वो करता भी था बड़ी ईमानदारी से। तो ये सारी व्यवस्था करके वो मोहम्मद गौरी जो था, वो गजनी, अरे सॉरी, गजनी नहीं, गौरी, गौर प्रदेश लौट गया। मैंने आपको गजनी लिखा है, वहाँ गौर कर देना, गौर लौट गया। अब जो है, मोहम्मद गौरी की अनुपस्थिति में पृथ्वीराज के भाई हरिराज के नेतृत्व में चौहानों ने पुनः संगठित होकर के अजमेर से पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज, जो मोहम्मद गौरी के द्वारा नियुक्त अधीनस्थ सामंत था, उसको मार भगाया और अजमेर की गद्दी पर अधिकार किया। इसके बाद जो है, अब अजमेर की गद्दी पर अधिकार किया। इसके बाद हरिराज ने रणथंभौर को घेरा, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तत्काल कार्यवाही करके रणथंभौर और अजमेर दोनों पर उसने अधिकार कर दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का ही आदमी था। तथा रणथंभौर पर गोविंद राज जो था, उसका वापस सिंहावलोकन कराया। जब दिल्ली पर अजमेर शासक के विद्रोह करने, ये इस तरह की विद्रोहात्मक गतिविधियां करता था, तो उसकी सूचना मिली तो उससे तुरंत परास्त करके मार भगाया, और दिल्ली पर अधिकार करके 1193 ईस्वी में दिल्ली को भारतीय राज्य की राजधानी, भारतीय मतलब देश, जो भारत की राजधानी बनाया, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। सन 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ, बरन जो बुलंद शहर है, अलीगढ़, उसको कोइल कहते थे पहले, तो अलीगढ़ गढ़ वालों से जीता, और उन स्थानों पर किलेबंदी की और रक्षक सेनाएं नियुक्त की। ये जो था, ये तीनों प्रदेश जो थे वो बड़े सामरिक महत्व के थे, और गढ़ वालों के स्थानों से ज़्यादा दूर नहीं थे। यहाँ रह करके गढ़ वालों की गतिविधियों को जाना जा सकता था, इनकी शक्ति को तोड़ा जा सकता था। इस तरह से
गढ़ वालों की शक्ति को तोड़ा जा सकता था। इस तरह से मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को 1193 ईस्वी में मतलब भारत की राजधानी बनाया, तो वो दिल्ली सल्तनत कहलाता है। उसके पहले दिल्ली का नाम जो है धिल्लिक मिलता है ना। पुराने जो नाम है उसमें कहते हैं कि धिल्लिक उस शहर का नाम था। अब जो हम हैं आपको चंदावर का युद्ध बताते हैं। अब क्या है कि यानी कि मोहम्मद गोरी जो था वो कन्नौज के राजा जयचंद्र से हाथ मिलाया था, और जयचंद्र ने भी हाथ मिलाया था। इसका एक कारण यह था कि वो पृथ्वीराज चौहान से नफरत करता था। कौन? ये कन्नौज का राजा गढ़वाल जो है, गढ़वाल राजा जयचंद, क्योंकि उसने उसकी लड़की जो है संयोगिता का हरण करके शादी की थी, और इस वजह से मतलब उसको बड़ा वो था कि पृथ्वीराज ने मेरी लड़की को भगाया। तो इस तरह से क्या है कि ये घटना भी है कि वो जब उस संयोगिता का वो होने वाला था स्वयंवर, तो उस समय मतलब जयचंद्र ने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था, देश के सारे राजाओं को आमंत्रित किया था, और फिर पृथ्वीराज की जगह पर उसकी मूर्ति वहाँ द्वारपाल के रूप में लगा दी थी। तो संयोगिता ने अपना पति उसी मतलब पृथ्वीराज की जो मूर्ति थी उसी को अपना पति मतलब पृथ्वीराज को मानती थी, इसलिए उसकी मूर्ति पर उसने हार पहना दिया था। इससे जयचंद्र जो है वो बड़ा नाराज़ हुआ था, और उसके बाद जो कहते हैं कि पृथ्वीराज जो है वो दूर झाड़ियों में खड़ा था, तो उसने देखा कि संयोगिता मुझे ऐसे चाहती है, तो वो कहते हैं कि वो अपने कुछ मित्रों की मदद से उसको उसका हरण करके ले गया था। तो इस वजह से संयोगिता का जो बाप था जयचंद्र वो बड़ा नाराज़ रहता था। तो उसने मोहम्मद गोरी से इसका बदला लेने के लिए हाथ मिलाया था, और मोहम्मद गोरी भी चाहता था कि ऐसा कुछ हो, मुझे भी मतलब भारतीय लोगों का साथ चाहिए, तो ये हुआ था। अब जब क्या है कि पृथ्वीराज को हराया और मतलब जीत गया ये मोहम्मद गोरी, तो फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो अब इसने जो है मोहम्मद गोरी ने इसी कन्नौज के राजा जयचंद को मतलब हराने की सोची, और 1194 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कन्नौज और एटा के बीच में यमुना नदी के तट पर एक चंदावर करके स्थान है जहाँ पर दोनों का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ऐसे कहते हैं कि पहले तो मतलब जो है वो युद्ध बड़ा बहुत ही वीरता से ये लड़ा लड़ा था कौन जयचंद, और वो जीतने ही वाला था कि अचानक एक तीर जो है उसकी आँखों में आकर के एक आँख में आकर के उसको लगा, तो जिससे वो क्या है कि जयचंद घोड़े से ज़मीन पर गिर गया, और ये जो परिस्थिति ऐसी बदली कि मोहम्मद और बदल मतलब नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी परिस्थिति बदल गई कि मोहम्मद गोरी विजयी हो गया। तो इस तरह से उसने चंदावर का युद्ध जीता था। अब जो है हम जो इस तरह के चंदावर का युद्ध जीता, अब इसके बाद जो हम जो आपको अगला जो है वो बाद में बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।